अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा मिश्रीज व्लॉग्स। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। और पिक्चर्स देखकर आप समझ ही गए होंगे, तो आज मैं आपके साथ फिर शेयर कर रही हूँ एक्सपो 2020 का एक और मज़ेदार सा पवेलियन। बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने, जो कि हम काफ़ी ढूंढ के पहुँचे थे। जस्ट हम देखना चाह रहे थे कि अपना कल्चर और अपनी चीज़ों को इन लोगों ने यहाँ किस तरह डिस्क्राइब किया है इंडिया ने, और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बिकॉज बेसिकली हर पवेलियन में इसी तरह से शो किया है। तो चलें फिर, हम लोग जो है वो उस दिन गए थे बस से, और ये थोड़ा सा मैंने बस जर्नी अपनी शेयर की है। पार्किंग करके गाड़ी हम लोग जो है वो अपना बस के लिए वेट किया हमने, ये बस आ चुकी थी तो ये वाली बस में हमें जगह नहीं मिली, फिर नेक्स्ट के लिए हमने वेट किया और हम अपना बस में एंटर हो रहे हैं। उस दिन मैं अपनी एक फ्रेंड की फ़ैमिली के साथ गई थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चे भी हैं, उनके बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे जो है ना वो अपना लगे हुए हैं। तो अब हमारी बस जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और ये छोटी सी ही यहाँ पर छोटा सा डिस्टेंस था पार्किंग से लेकर जो मेन गेट था एक्सपो का, तो वहाँ तक हमने बस में ट्रैवलिंग करनी थी। तो ये बस अब हम लोग जा रहे हैं, और दुबई की यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैं इस तरह, ये शटल कह सकते हैं आप, इसमें मैं बैठी थी, और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज़ की। बस के अंदर जो है वो मोबाइल चार्जिंग का स्पॉट भी था, लाइक इफ़ यू वांट टू चार्ज योर मोबाइल, आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम ये बस से उतर चुके हैं, और हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था, घूमना शुरू कर दिया था। तो अच्छा लगेगा कि आप जो है वो वहाँ की ओरिजिनल वॉइस को इन्जॉय करें। तो अब मैं यहाँ से वॉइस अपनी एडिट नहीं करती, तो आई होप यू विल लाइक द व्लॉग, स्टे ट्यून एंड वॉच द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अब हम ये जो है ना वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर घूम चुके थे उस दिन भी, बट बेसिकली यहाँ इंडियन पवेलियन मैंने शो करना था। तो अब ये हम ढूंढते ढूंढते हमें तकरीबन रात ही हो चुकी थी, और पवेलियंस के क्लोज़ होने का भी टाइम हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे 10 o'clock से 15 मिनट्स पहले तक बस एंट्री होती है, क्योंकि 10 o'clock ये एंट्री बंद कर देते हैं। तो हम लोग जो है वो उससे पहले पहले इतफाक से पहुँच गए थे, हम लोगों को मिल गया था मैप अवेलेबल हैं। तो यही सजेशन है कि जाने से पहले जो है वो आप जब वहाँ पहुँचें तो मैप लेके मैप से अच्छी तरह से सर्चिंग कर लें, इंडियन पवेलियन, पाकिस्तान, सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, ये सब देखने वाले पवेलियंस हैं। तो जो बड़ी कंट्रीज़ के पवेलियन हैं पहले आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो हम लोग भी फिर मैप देखते देखते फॉलो करते हुए इंडियन पवेलियन पहुंच गए।
इस पवेलियन में 3 फ्लोर्स थे और लिफ्ट नहीं थी, तो बस स्टेयर से मैंने जाना था। तो मैंने आयशा, महाद और उमर को नीचे छोड़ दिया था, बिकॉज़ उमर प्राइम में सो रहे थे। तो मैंने कहा आप लोग नीचे मेरा वेट करो, तो फिर बच्चों को जो है ना मैंने नीचे छोड़ दिया था और मैं आयशा के साथ, और मैं अपनी वीडियोज़ बना के जो है वो मैंने कहा मैं नीचे आती हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ से जो है बस हमने अब एग्ज़िट करना था, 10 o'clock प्लस टाइम हो चुका था और हमने जाना भी था वापस, और घर से जो है काफ़ी दूर भी था Expo 2020। तो हम लोगों ने फिर नीचे में फ्रेंड जो है ना वो आने में उन्होंने टाइम लगा दिया था यहाँ पर, बस थोड़ा सा महाद खेल रहा था, टाइम पास किया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने यहाँ से निकलना था। और आई होप आपको पवेलियन अच्छा लगा होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, एंड हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा चैनल को, लाइक द वीडियो, और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।